अच्छा इतना मुझे था वाह यार वाह अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप क्या कर रहे हैं जल्दी आए 100 मतलब इससे आपका पूरे साल का खर्चा चलेगा अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल्हम्द तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह डन विथ ईद नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ये सीन है यहाँ के ये सारे निकलने लगे सब मिल लिया सब ने ईद मुबारक और आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी ईद मुबारक यू एंड योर फैमिली मज़ा कीजिए और ये इस ईद को जितना हो सके अच्छे से अच्छा बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें सही है तो ये अभी सीन है तो सब ने मिल लिया और अभी हम भी मिलेंगे सबसे ठीक है ना तो चलते हैं मिलते हैं ये हैं मेरे सारे कज़न ये कज़न इफराज है अनस राफ है ये सारे हैं ठीक है चलो तो भाई आ जाओ ईद मुबारक ये भाई ये इफराज मेरा ताहिर इफराज कैसे हैं आप ईद 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 मुबारक ये ताहिर ईद मुबारक भाई आ जाओ ईद मुबारक चलते हैं घर सही है ना बताओ कब्रिस्तान में जाना है और फिर आएंगे घर फिर अपना नाश्ता वास्ता जो होता है करेंगे इंशाल्लाह बिस्किट वगैरह केक सब कुछ है वो बोल बोल के करके खाते हैं जो तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा होता है नाश्ता हर ईद पे इंशाल्लाह ठीक है तो भाई आना है आपको नहीं ऐसे ही ईद मुबारक करते हैं भाई ईद मुबारक अनस ईद मुबारक चलो भाई अभी निकलें घर साकिब निकलें घर निकलें फिर कब्रिस्तान जाना है उसके बाद नाश्ता नाश्ता करना है उसके बाद दोस्त को हड्डियाँ हड्डियाँ करनी है उधर चलो चलो भाई चलो चलते हैं लेट्स गो बताइए रे भैया सलमान खान ये आए ये सारे इसके पीछे लगे हुए भैया इसकी ईद पे हुई है मूवी रिलीज तो इसकी वजह से ये देखें ये इसके साथ जा रहे हैं सब लोग वाह वाह यार वाह वाह वी आई पी एक्सीलेंट एक्सीलेंट देखें हमारा ईद का जो ड्रेस है उसका कलर देखें कैसा है कमेंट करके बताएं सही है ये देखें गुड अच्छा तो भाई वी आर फाइनली एट कब्रिस्तान दुआ मांगने और सो भाई फाइनली हमने जो है वो कब्रिस्तान से हम आ गए वापस और अभी जो है सबसे ईद मिली और अभी हमने कुछ खास सवैयाँ खाई पास्ता खाया और उसके बाद चाय हमने पी ठीक है ना तो अभी पेट पूजा हो गई है तो अभी हमने बोला कि चलो भाई थोड़ी फेस पूजा करते हैं फॉर एग्जांपल हमें फ़ोटोग्राफी करते हैं ठीक है ना तो फोटोग्राफी का हमारा जो है फोटोग्राफर यहाँ पे है इफराज शेख कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह है ना आपकी हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी चलो यार बहुत अच्छी होनी चाहिए पिक्चर्स बोल के चलो तो भाई अभी हमारा फ़ोटोशूट करें उसके बाद जो होता है वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ ठीक है सो या Who is there? Shazel. Shazel, Muhammad Shazel. हाँ तो सबको पहले विश करो ईद मुबारक
Eid Mubarak, my all friends. And guys who are watching this video now. So, Mohammed Shazil, आपको कितनी हुई है ईदी? इन सबको बताएं कितनी ईदी हुई है, गिनो. गिन रहे बच्चा, गिन रहे. 2900 हो गए आपको. माशाल्लाह यार, इतनी ईदी मिली है. मुझे मिली नहीं है, पता है मुझे बिल्कुल नहीं मिली. मुझे सिर्फ 200 or 300 रुपीज़ मिले ओनली. यार आपके तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह. कर रहे हो आप, इंजॉय कर रहे हो बहुत ज़्यादा. पिक्स निकाली अपनी? पिक्स अभी निकालूंगा. अभी निकालो, चलो सही है. शांजे कहाँ है आपकी सिस्टर? कहाँ है? अंदर है. अंदर है, अच्छा. तो उसको बुलाओ, उसके उसके साथ ही करें तो सही है. पे आ गए हमारे फोटोग्राफर मीट अनस अहमद शेख, और ये फोटोशूट अभी हमारा हो रहा है, कंटिन्यू है अभी. यहाँ पे एक बंदा है जो आपसे बात करना चाह रहा है, सही है? तो उसकी बातें सुनते हैं. चलो भाई. मुबारक, खुश रहें, आबाद रहें अपने घर में, सब अपने बच्चों के साथ. गुड लक. गुड लक फॉर योर किड्स. चलो भाई, अभी हमारा डिफराज आ रहा है, फोटोग्राफर आए इफराज शेख. मैं इसको बोल रहा हूँ भाई, एक रील मुझे करनी है बहुत अच्छी सी, इंस्टा पे अपलोड करनी है. उसकी वजह से ये आए, तो ये बोलते हैं भाई उसको, पहले जल्दी रील शूट करो. वो गाड़ी उसको चलानी नहीं आती. गाड़ी नहीं आती चलाने? क्यों? दिखा लग जाता है. ब्रेक लग जाती है उसको. सारा दिन बस वो फोटो में लगा रहता है. हाँ. फोटो फोटो फोटो, टिकटॉक, सारा दिन. फारिक लोग तो ऐसे ही होंगे ना फिर. फारिक लोग वैसे ही होंगे. ये सुनो, इसकी बातें सुनो, ये क्या क्या बोल रहे हैं. सब बिजी लोग हैं, सारा दिन काम करते हैं. ये फारिक लोग सारा दिन टिकटॉक, गाड़ी ऐसे घूमते रहते हैं. हाँ, इतनी देर की है? 2 घंटे में वेट कर रहा था अभी आपका. वाशरूम गया था 2 घंटे. ये वाशरूम याद में. आपके से पूछते हैं कि उसको ईदी कितनी मिली है, सही है? हाँ भाई, आप कैसे हैं? ठीक है. ठीक है. हाँ. मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. हाँ? वाला ईद तो आएगा. तो आपने इंजॉय किया और जो है ईद की नमाज़ भी आपने पढ़ी. हाँ. है ना? तो अभी आपको कितनी ईदी मिली है हमें बताएं. ईदी देखा तो नहीं है, जितने मिल रहे थे इधर डाल रहा था. हाँ. बाकी अब देखना पड़ेगा. बताओ बताओ, देखो निकालो निकालो. सीक्रेट कोड है, इसको हटाओ. जल्दी हमें बताओ कि कितनी आपको ये ईदी. छुपा के भाई गिन रहा है, छुपा के गिन रहा है. चलो भाई, मजे मजे इसे. चलो ऐसे करो, ऐसे पैसे करके ऐसे दिखाओ, ऐसे करके. पिज्जा आ जाएंगे भाई. पिज्जा कैसे आ जाएंगे? हाँ, एक आ जाएगी. फिर जिंगर बर्गर आ जाएंगे. आरिज आ गए. आरिज? हाँ, जिंगर आ जाएगा. जिंगर? हाँ, एक आ जाएगा. क्या कितने में बताओ तो सही. कितने? 1400. हो जाता काम पूरा. चलो मैं देता हूँ ना यार आपको. हाँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मसला ही नहीं है. मैं दूँ? आई 1000 रुपया दे दो, बड़ा मज़ा आ जाएगा. 1000 का नहीं दूँगा भाई. ये 10000. चलो भाई, आपके भी कितने हो गए? 1500 हो गए. 1500 हो गए ना. चलो 8-9 क्रेंच पर करा सकते हैं. हाँ, जो 250 वाले हैं. 8-9 कहाँ से आएंगे? इसमें आएंगे 6 आएंगे. इसमें 6 आएंगे? हाँ, 6 आ जाएंगे. कम बता रहे हो आप. 6 आ जाएंगे ना. 250 का 1 है. हाँ. तो 4 आएंगे 1000 में, और 500 में 2 आएंगे. तो कितने हुए शान से? कितने हुए? 6 हुए ना. आप कैसे हैं बताएं? पहले अपना नाम बताएं, फिर एक बार बोलें सबको. मेरा नाम शान से. और अरे पीछे हो गए, पीछे खड़े होके मुझे सब बता रहे. बोलो. ईद मुबारक. ईद मुबारक बोलो. ईद मुबारक टोल. ये क्या है, ये क्या है? आपने ईद एंजॉय की? हाँ. पक्का? हाँ. चलो भाई, शान से हमारे साथ हैं. हाँ भाई, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. सबसे पहले ईद मुबारक बोल दो पहले. ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू. और अभी बताओ कितनी हुई आपकी ईदी? 2300. आपको कितनी ज़्यादा हुई है यार? मुझे बिल्कुल कम हुई है. बताओ मुझे कितनी हुई, बताओ. आप बताओ कितनी हुई होगी, गेस करो. 3000-4000. वन हुई है ओनली. वन थाउजेंड ओनली. 1000.
कितनी गलत बात है, बस क्या करें अभी, कितनी गलत बात है, इतनी गलत बात है। मेरे पास तो 23 हुई है, चले आप रख ले वन। कितना ये दे रही है मुझे, इसने मुझे ही दी भाई ये। इतनी ज्यादा ही थी आज तक मैंने देखी नहीं, 100 है ना ये 100, मतलब इससे आपका पूरे साल का खर्चा चलेगा। चलो भाई फिर आप एंजॉय कर रहे हैं, है ना। चलो ये हमारा आरिस, आरिस आपको कितनी हुई ईदी? 300 ईदी अड़ेंगे 600 700 ही है, 700 रुपीस, 700 रुपीस ना, 100 ना, मतलब आपका भी पूरे साल का खर्चा चला जाएगा। फोन का है यार, फोन मुझे देना बाद में, सही है। अमीर लोग अमीर के लोग के बच्चे, सही है। ये जो पैसे आएंगे ना यहाँ से, उससे ले लीजिए ना, इस वीडियो से आएंगे पैसे, आप बताएं। देखें ना यार, अगर व्लॉग देखेंगे तो वीडियो आएगी ना, व्लॉग देखें, पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद पैसे आएंगे, फिर बहुत बार पैसे होंगे, फिर मैं सबको दूंगा, सही है। अभी आप प्लीज, अभी आप बोल रहे हैं कि 50 रुपये ही, मतलब एक साल का यानी आधे साल का खर्चा चला जाएगा 50 रुपये से, 100 रुपये से तो छेड़ी का पूरे साल का खर्चा होता है, हो जाएगा। फोटो शूट किया है बहुत हमने, जो है रील्स मैंने बनाई है, इंस्टाग्राम पर अपलोड करूँगा इंशाल्लाह वेरी वेरी सून, और वेरी वेरी सून है ना। और लंच का टाइम हो गया, तो लंच भी आपको हम दिखाएंगे, और लंच में हम क्या क्या कौन सी चीज़ें खाते हैं, ईद वाले दिन कुछ स्पेशल बनता है वैसे, सही है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। धूप में और ठंड हो रही है। चले भाई चलते हैं अंदर और देखते हैं कि लंच में क्या बना है। बिरयानी। ये क्या है, ये आपके पास क्या है? ये एक पता नहीं कौन सी चीज़ है, ये वो भी नहीं, बॉल नहीं है, ये कोई चीज़ है जिससे इतनी बाउंस हो रही है, इसको मैंने गोल गोल करके ऐसे मारा तो ये बाउंस हो रही है। चलो भाई चलते हैं, चलते आ जाओ भाई। ये कौन है इधर, ये देखो, ये अन्ना सहमत शेख, वो आ गए स्नैपचैट बॉय, स्नैपचैट अन्ना सहमत शेख, जो कि दुनिया में मशहूर तरीन इंसान है, जो स्नैपचैट पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है इनके, इतने वायरल है ये, इतने वायरल है, जहाँ जाओगे अन्ना सहमत शेख का बोर्ड लगा हुआ होगा भाई। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो लगे, बताओ भाई जी का चल रहे हैं, बैठे बैठे बहुत और छोटा सा बाहर चक्कर लगा लें, है ना। बहुत धूप देखो, बहुत धूप, बहुत है धूप, बहुत है भाई धूप, बहुत तेज है, बस क्या करें। तो हमने सोचा तो भाई कुछ जो है वो बाहर निकले, थोड़ा देखें दुनिया को कैसे, जाके थोड़ा सा रानी बाग में जाएं, उधर उधर घूमें, देखे उस बच्चे ने गाड़ी स्टार्ट कर ली हमारे प्यार से, बच्चे ने, बच्चे का नाम है तैयब, इफराज भी प्यार से इस बच्चे को बुलाते हैं इफराज, और रियल नाम है इसका तैयब। यार देखे गाड़ी में चलते हैं और देखते हैं, ये सारे फट गया है ये वाणिया, पता नहीं कहाँ ये निकल गए दोनों। क्या माला उठाए साला, बाल्टी मारेगा मेरी वीडियो क्यों बना रहा है अभी जब मैं नए खा रहा हूँ तो। भाई हमारा है प्रोफेशनल ड्राइवर, माशाल्लाह ये देखिए ड्राइवर प्रोफेशनल, अभी सीखा है ये कार, बहुत अच्छी कार सीखा है ये अभी। चलो भाई चलते हैं। तो भाई यहाँ पे देखें, ये है साकिब शेख, और ये देखें इसके काम भाई, ईद का सही जो है ना मज़ा वो ये कर रहा है, एंजॉय कर रहा है ईद। हाँ बड़ी ईद एंजॉय की है, सबसे पहले मैंने बड़ी ये मर गया, ये क्या किया, स्कोर बना हुआ है, अच्छा स्कोर बना, हाँ
आप कह रहे थे ना ईद एंजॉय की ना, ये मेरी बेस्ट गेम है। अच्छा, मेरी बेस्ट गेम है, फेवरेट गेम है आपकी। हमने कोई भी गेम नहीं खेली है, ईद का सारा दिन गुजर गया, शाम हो गई और अभी बिरयानी बिरयानी भी आपने खा ली। नमाज पे जाएंगे, ये देखें शाम पे। हाय हाय कर बाय। ठीक है, तो बकरा आ गया हमारा, बकरा आ रहा है, इसको कुएं। तो वही फाइनली इट्स सिक्स इट्स सेवन और सॉरी इट्स सेवन और मगरिब का टाइम हो गया है। नमाज पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथ इफ्राज और ये सीन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, जल्दी आए। इसका फोटोशूट हम कर रहे हैं आरिस का। ये देखें फोटो निकल रहा है, फोटोशूट करें आरिस। स्माइल आरिस, स्माइल, गुड बॉय। मोबाइल कहाँ है आपका, नीचे रखा हुआ है मोबाइल, क्यों नीचे क्यों रखा हुआ है? अच्छा, आपके पूछ कर आपके दो तो सही है। अच्छा, मैं ही निकालो, चलो निकालो निकालो चलो निकालो निकालो चीज निकालो जल्दी निकाल ली। चलो भाई, रात हो गई है और इट्स नाउ 7:30 और ये हमारे साथ है। साथे, साथे। मजा आया आपको आज? हाँ, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा, और कुछ बताएं? और कुछ नहीं बताएं यार, बताएं। अच्छा, आर यू हैप्पी, मतलब आर यू हैप्पी? खैर मुबारक, खैर मुबारक, ईद 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 मुबारक। निकालो निकालो जल्दी पिक्चर निकालो, ईद मुबारक, ये पिक्चर निकालो निकालो, ईद मुबारक। चलो भाई, चलो सॉन्ग सुनाओ, जल्दी सॉन्ग सुनाओ। कानी सुलो, जुबानी सुलो, जुबा हुआ था। कानी सुलो, इतना जुबानी सुलो, मुझे पा हुआ था। इकरा वाला था तेरी। वाओ यार, वाओ, फंटेस्टिक। डाले को बड़े तो मन माँ पड़ेगा। आगे आगे, बस आगे गाओ आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, गुड गुड हो गया, गुड हो गया। चलो 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 अंदर, चलो 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 चलो, हाँ चलो चलो चलो। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह डन विद मगरिब नमाज, मगरिब नमाज पढ़ के आए हैं। तो और मोटिव हमारा यही होता है कि मैं जिस व्लॉग में नमाज की बात करता हूँ या नमाज दिखाता हूँ कि भाई हम नमाज पढ़ते हैं, तो वो इसका ये नहीं होता कि मैं शौफ नहीं करता कि भाई हम नमाज पढ़ते हैं आप या और कोई नहीं पढ़ता कुछ। तो असल में इसका मोटिव, असल में मोटिव जो होता है ना मेन, वो ये होता है कि यार देखो ना, सारा रमज़ान हम करते हैं, इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, सही है। बट जैसे ही आती ईद, ईद हमें, ईद के दिन हमें कोई नमाज याद नहीं आती, हमें कोई भी यानी कुरान शरीफ की तिलावत याद नहीं आती। ईद नमाज पढ़ी उसके बाद ख़त्म,
फिर यहाँ घूमो भाई, वो सही है, वो घूमो आप जहाँ पे घूमो, फुल एंजॉय करो लाइफ को, फुल एंजॉय करो। बट क्या है कि यार कोशिश ये किया करें कि नमाज को कायम करें, नमाज अच्छी पढ़ें। इसलिए क्या ना देखो, नमाज से कामयाबी है आपको पता होगा, सही है। तो कोशिश करें कि नमाज पढ़ें ईद वाले दिन भी, और ईद का दिन हो या नॉर्मल दिन हो या रमज़ान हो, हमेशा ईद नमाज पढ़ें। और कोशिश करें कि ईद नमाज के बाद जो सारी नमाजें पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। सो अभी आपसे मिलते हैं, हम थोड़ा लेते हैं ब्रेक, उसके बाद आपसे मिलते हैं डिनर पे। तो लेट्स गो।